धार्मिक नगरी रतनपुर में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते स्थिति दिनों दिन विस्फोटक होती जा रही है। आज हुए 23 एंटीजन टेस्ट में 4 वर्षीय बालक सहित 9 कोरोना संक्रमित मिलने से धर्मनगरी रतनपुर के लोग दहशत में आ गए। 23 एंटीजन टेस्ट में 9 कोरोना संक्रमित मिलने से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। वहीं एक 4 वर्षीय बालक के कोरोना संक्रमित होने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। कोरोना के इस तीसरी लहर में एक बच्चे के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जहां कोरोना के मामले नगर सहित आसपास के क्षेत्र में इक्का दुक्का आ रहे थे, वहीं अब इस बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ने लगा है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से अब ऐसा लगने लगा है कि स्थिति धीरे धीरे और भी विस्फोटक होती जा रही है। नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को 23 लोगों के हुए एंटीजन टेस्ट के दौरान फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग कोरोना बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 4 वर्षीय बालक भी इस बीमारी से ग्रसित हो गया है। ऐसे में दिन प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद भी नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है और लोग अभी भी भीड़ का हिस्सा बनते हुए बिना किसी सुरक्षा एवं शासकीय गाइडलाइन का पालन किए बगैर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वहीं जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उनके घर नोटिस चस्पा कर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, फिर उसकी जानकारी लेने की किसे फुर्सत है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति भी अपनी एक अच्छे नागरिक का फर्ज भूल चौक चौराहों में घूमते हुए नजर आ ही जाता है, जो न जाने कितने को संक्रमित करता है। इन्हीं कारणों से रतनपुर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोगों को चाहिए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए एक अच्छे शहरी का फर्ज निभाते हुए इस महामारी की रोकथाम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।